आपको बता दें कि ए के मिश्रा साहब राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए के मिश्रा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि ब्रेक का दबाव था मेरे ऊपर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये पाई पाई का हिसाब वाकई में पार्टियां देती हैं? क्योंकि ब्रेक से पहले तो हर पार्टी ने दावा किया कि भैया देखिए हम पाई पाई का हिसाब देते हैं। नहीं चावला जी, देखिए हमेशा से ये देते रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को, जैसे ये 5-7 सालों में जो ये सारी रिपोर्ट है, समाजवादी पार्टी की सारी संपत्ति इतनी बड़ी लगभग 200%, तो मैं बोलूंगा कि इन लोगों को पता था कि हाँ भाई काम क्या होता है और इसी चीज को लेकर के काम बोलता है स्लोगन था। जो पांडे जी बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, ठीक है काम बोलता है, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में काम ने नहीं बोला, चुनाव में हार जीत के टाइम पे इनके काम ने नहीं बोला, लेकिन वाकई में काम बोलता है। और यही जो एक पॉलिटिकल स्टाइल है वेल्थ क्रिएशन का, मैं देश हित की बात कर रहा हूं, ये एक ऐसा गुप्त और पेटेंटेड मंत्र है ना जो हमारे देश में कारपोरेट या छोटे बड़े जो उद्यमी हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उनके पास नहीं है। तो सारे राजनेताओं और इन सारी पार्टियों से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों का गुप्त मंत्र है, फंडा है वेल्थ क्रिएशन का, IIM IIT वगैरह इन सब स्कूलों के सिलेबस में आप लोग जो है जरा पढ़वा दीजिए, तो शायद मेरे ख्याल से हमारा देश भी अमेरिका वगैरह से आगे बढ़ जाएगा। 7% की GDP अचीव करने में जो है पूरी हालत खराब होती है। दूसरा कंक्लूजन इसका यह है कि इतने सारे मीजर्स लिए गए, नोटबंदी वगैरह किए गए, और उसके बाद अगर ये रिजल्ट आ रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों में 200% का एवरेज, सपा हो बसपा हो कोई भी हो, ये तो घोषित है जो इन्होंने डिक्लेयर किया है। नहीं नहीं मैं वही मिश्रा साहब जानना चाह रहा था, ये तरक्की का फॉर्मूला क्या होता है इनका? नहीं देखिए सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं, फिर पांडे जी कहते हैं कि देखिए हम तो बताते हैं जो आंकड़े हमारे पास है, CBI जांच तक करवा लीजिए। फॉर्मूला क्या है इनका? मैं आपको बताता हूं सर, तरक्की का फॉर्मूला क्या है यहां पे। तरक्की का एक ही फॉर्मूला है कि पब्लिक और पॉलिटिक्स दोनों चीजों को अलग अलग करके, ये जो नीति लोग जो बनाते हैं, जो पॉलिटिशियंस, ये पब्लिक के लिए अलग नीति होती है, इनकी अपनी पार्टी अपनी नेताओं के लिए अलग नीति होती है। केवल इंडिया में सर, एक मिनट चावला जी आप और सुनिए, ऐसे रिकॉर्ड यहाँ पे हैं कि एक आदमी केरला में विधायक बना, यू कैन नॉट बिलीव, मेरे पास रिपोर्ट है, 5-10 साल में 44,000% उसकी संपत्ति बढ़ गई। गायत्री प्रजापति जी के बारे में निकला था, फ्रॉम BPL टू बिलियनायर, मतलब 2002 में उनके पास BPL का कार्ड था, 2010-12 तक वो बिलियनायर बन गए। तो मैं तो समझता हूँ कि हमने पढ़ाई लिखाई करके जो लड़के IIT वगैरह कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स किसी भी जो है राजनीति के जो है इनको जो है ज्वाइन कर लिया जाए, तो जो मंत्र सक्सेस का हमें वहां मिलेगा वेल्थ क्रिएशन का, हम अमेरिका को निश्चित रूप में पीछे छोड़ देंगे। एक पॉइंट आपको और जोड़ूंगा, टोटल इंडिया में 1947 से ये सारा का सारा चीज सर करप्शन से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में जितने भी करप्शन हुए हैं उसकी टोटल वैल्यू आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली $20 trillion है, और आज US की इकोनॉमी 19 US dollar trillion है, और वर्ल्ड GDP का जो हमने करप्शन में पैसा खत्म कर दिया, वर्ल्ड GDP का 25% है, 1/4 जो टोटल ग्लोबल GDP है। अगर इतना करप्शन में पैसा हमने वेस्ट नहीं किया होता तो अमेरिका जैसे 4 देश हमारे जेब में घूम रहे होते। तो ये यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल विल क्या है, क्लियर कट ये बाइफर्केशन है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने लिए नियम कुछ और बनाती है। आप अभी जिक्र किया था, नियम पे आ रहा हूं, मैं नियम पे आ रहा हूं। मैं एक पहले 20,000 चंदा था, फिर 2,000 बीच में वो भी गायब हो गया। कितना चंदा लेना देना हो फ्री में लो, बताने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स नहीं है किसी को कुछ। सर ये हस्त सीधी नौ निधि के दाता जो है ना वो पॉलिटिक्स है, तो हम सब लोगों को भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। ठीक है मिश्रा साहब, खैर हम जैसे हो तो उनको तो समझ में नहीं आती राजनीति। राजीव जी समझाएंगे, क्रूर मजाक है जनता के साथ, ये रिपोर्ट जो है, और इसके बाद भी सारे नेता लोग बोलते हैं कि जी हम तो बड़े ईमानदार हैं। एक सेकंड, ये जनता के साथ इतना क्रूर मजाक है सर। ठीक, एक मिश्रा साहब, राजीव जी आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ याद आ गया मुझे, आपकी पार्टी में पैसे को लेकर तमाम तरह के आरोप कभी कांग्रेस ने लगाए, आम आदमी पार्टी ने लगाए, सपा तक ने लगाए, हर राजनीतिक दल ने लगाए, लेकिन एक हकीकत तो है ना सर, आपके यहाँ BJP में कुछ ऐसे नेताओं की तरक्की का कल्चर साफ तौर पर दिखाई दिया, यानी कि पैसा लेकर जो आया उसकी तरक्की तेजी से हुई। विकास चावला जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर पार्टी है, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ एक कार्यकर्ता थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी, और एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ, 8,35,000 चाइना ने सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा, 12 करोड़ कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं की सदस्यता दिलाई, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा वृक्ष है और बढ़ता जा रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अरे हमने किसकी कार्यकर्ताओं को बढ़ाया, हमने किसी उद्योगपति को नहीं बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता भी तो आपके ही पार्टी के सदस्य है, देश को नहीं बढ़ा रहे, केवल पार्टी और उनके कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। सर कॉरपोरेट घरानों का जिक्र यहाँ पर किया गया, उसके पीछे की एक वजह थी, अगर आप लोग इतने दूध के धुले हैं तो आखिरकार पाई पाई का हिसाब क्यों नहीं? बिल्कुल पाई पाई का हिसाब है, ऑनलाइन बोलने में क्या जाता है सर, हर बार एक अच्छे सलाहकार है, इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन देखिए, भारतीय जनता पार्टी वेबसाइट पर जाइए और एक एक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के पास जितना रिकॉर्ड यूपीए की सरकार में नहीं मिलता था क्या संजय गुप्ता साहब? जी जनाब, यूपीए की सरकार में नहीं मिलता था कॉर्पोरेट घरानों से? देखिए सर, हम विपक्ष के अंदर है, हमारा हमको ये थोड़ी सी आपसे सुविधा चाहिए कि हम अपना क्वेश्चन सर ये सुविधा सर ये सुविधा यहाँ तो तराजू एक बराबर है, सर यहाँ तो तराजू एक बराबर है। मैं आपको उसी बात पे जा रहा हूँ कि देखो जो चंदा फंड की बात है, ये आपने मैकेनिज्म देश के अंदर इस तरह से आपने बनाया, मैं सुझाव देना चाहता हूँ क्यों नहीं सरकार इसके अंदर फंडिंग करती है, आप मुझे सर सुझाव नहीं, आप लोगों ने 60 साल राज किया इस देश पर, आप लोगों को अमल करवाना चाहिए था। बताइए हमारे राज के अंदर नीरव मोदी ने कितने पैसे दिए बताइए सर, आप विजय माल्या भाग गया सर, अडानी अंबानी खुले तौर पर बीजेपी को फंडिंग कर रहे हैं सर, ये अभी चिदम्बरम तक पहुंच जाएंगे, ये अभी चिदम्बरम तक पहुंच जाएंगे। अब आप बताइए, और ये जो मोदी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यानी संजय सर, मैं आपकी पार्टी के बारे में भी बताऊंगा, मेरे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है एके मिश्रा साहब एक सेकंड एक सेकंड गुप्ता साहब एक सेकंड, पांडे जी संसद न्यायपालिका कार्यपालिका तमाम शासन से जुड़ी हुई संस्थाओं का हिसाब किताब तो रखा जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, लेकिन कमाई के मसले पर जब राजनीतिक पार्टियों का जिक्र आता है तो आप लोग सब एक बराबर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? तिलक जी मुझे लगता है कि आपका ये जो मुद्दा है ये बहुत ही अच्छा और बड़ा व्यापक है, हम इसमें जैसा कि आपने अभी इतने देर के डिबेट में निष्कर्ष पाया होगा कि हम पर्टिकुलर ना सपा की बात करें ना यहाँ पे कांग्रेस की बात करें ना आपकी बात करें, एक सत्य है जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जनमानस की इच्छा, हम सही हैं या गलत हैं, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जनमानस, जैसे भी मिश्रा जी ने बोला, जनमानस ये चाहता है कि रियली पाई पाई का हिसाब जैसे कंपनियों का होता है वैसे पार्टियों का भी हो, और हम इसकी मांग करते हैं, अधिकृत रूप से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, सबसे बड़ी बात है कि मजबूत सत्ता में है, कई पांडे जी में जब 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 सर जब आप सत्ता में थे तब आपने ये मांग क्यों नहीं की, आपने ये पहल क्यों नहीं की? ये सरकार के वक्त जब आप लोग समर्थन दे रहे थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं ये बात कही थी? आपको मैं जवाब भी ले लीजिए, हाँ ठीक बात है, हम समर्थन दे रहे थे पर सत्ता हमारी नहीं थी, अच्छा हम एक पार्ट थे छोटे से, तो उदाहरण रख दीजिए, हम एक समुद्र में, एक समुद्र के एक नदी थे, वहाँ पे समुद्र वो थे, पांडे जी कितनी गणना हो आपको मालूम है, ये सेकेंडरी है आपको मालूम है, कह रहा हूँ अच्छा एक बात पांडे जी आपको मालूम है, अगर इस वक्त आप लोगों के नाम के नीचे से अगर पटकेंगे, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं तिलक जी क्यों ना चलिए जो हो चुका है आज से शुरुआत कर दिया जाए, क्या गुनाह है, आज से ही एक कानून बना, तो मैं तो आपको कहा अगले हफ्ते हिसाब किताब देकर जनता के सामने लाइए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, ये मेरा वायदा है, वो पार्टी होगी जो 100% उस कानून का पालन करेगी और अपने आप को समर्थन करेगी, मौखिक रूप से बोल रहा हूं, चाहिए लिखित रूप से कार्यालय भिजवा दूं, क्यों ना इसकी पहल कर दिया जाए। साहब एक सेकंड लकीर पे फटा सर, अगर आपके इस वक्त की सरकार पहल हो सर, इस मुद्दे को लेकर बड़ी हैरानी होती है, अगर आप लोगों के सबके नीचे से नाम हटा दिया जाए कौन किस पार्टी का है ये जनता समझ नहीं पाएगी, आप लोग सब जो हैं एक भाषा में बात करते हैं जब चंदे की बात आती है तो। एक सेकंड सर, कमलेन साहब सर एक सेकंड वो करे, अपील तो है मेरी, आने साहब अपील मत करिए, उदाहरण दीजिए, 198% संपत्ति जो है वो आपकी बड़ी है पार्टी की, मैकेनिज्म तो बता दीजिए देश को, अभी जस्ट मैंने जवाब दिया, सुन तो लीजिए वो मैकेनिज्म क्या है, एक सिंपल सा है, सीरियल नंबर 005 बार के बाद एक से लेकर के लास्ट तक सारे सीरियल नंबर की बुकलेट है, बुकलेट किस डेट को इशू हो रही है, एक सेकंड कब, कमलेन साहब एक सेकंड प्लीज है, इन सब के अलावा
प्लीज मेरी बात पे जरा किसी को डाउट हो तो आप जो जांच कहिए मैं स्वीकार करने एक को तैयार हूं। आपको अगर एक खरोच भी मिल जाए तो आप आरोपित हो गया पांडे जी। क्षेत्रीय कमलेंद्र जी रूप में सर एक प्लीज थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश को पांडे जी प्लीज एक सेकंड ऑडियो नीचे करिए प्लीज पांडे जी प्लीज सर आपको बोलने का वक्त दिया जा रहा है आप अपनी बात रखिए ज्यादा समय मत लीजिए प्लीज। कमलेंद्र साहब आप लोगों ने सुचिता की बात की राजनीति में परिवर्तन का जिक्र किया आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हो पाया यहाँ तो सब एक बराबर दिखाई देते हैं। देखिए परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन हुआ है और जिस की बात आप कर रहे हैं आपने एक ज्ञान की रिपोर्ट उठाई है और वो आपने एक प्रदेश में लाकर रख दिया। अगर आप नेशनल पे देखेंगे तो जब अमित शाह के बेटे का 50,000 से 18,000 करोड़ हो जाता है तो वो धनिया बेच के फायदा कमाते हैं। इस तरह से चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो चाहे राजनीतिक पार्टी के जो बड़े नेता हैं इनके पुत्र हो इनकी संपत्ति जिस तरह से बड़ी हो और जिस तरह से अडानी अंबानी खास तौर से कुछ कारपोरेट घराने की बात हम करें जो बड़ी हुई है इससे ये पता चलता है कि ये लेन देन का मामला सीधा सा है कि तुम मुझे दो और मैं तुम्हें दूंगा। ये इनको पैसे देते हैं और वो उनको सहूलियत देते हैं इसलिए इनका बढ़ रहा है। आप ये देखिए सत्ता में नहीं थे तब ये चुनाव में जिस तरह से पैसा खर्च करते हैं कहां से आता है पैसा ये जनता जानने कहां रखती है सबसे भाई आप जिस पारदर्शिता को हम तो पारदर्शिता दिखा दिए आज के हमारे वेबसाइटों पे पड़ा हुआ है इन लोगों ने वेबसाइटों पर किस तरह संजय गुप्ता साहब संजय गुप्ता एक मिश्रा साहब के पास में जाऊं मुझे ये समझाइए एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में एक सेकंड पिछले एक दशक में जो दल है राष्ट्रीय दल अज्ञात स्रोत से मिलने वाली आय जो है वो 313% सर एक बार फिर से बोल रहा हूं 313% और क्षेत्रीय दलों की आय 652% पांडे साहब आपके लिए है इतनी बढ़ोतरी बिल्कुल चावला 313 राष्ट्रीय दल और 652% जो है क्षेत्रीय दल आप चावला साहब एक सेकंड गुप्ता साहब एक सेकंड गुप्ता साहब को जवाब देने दीजिए एक सेकंड सुन ले एक सेकंड मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे साथी आप पार्टी के बैठे हैं 120 गुना उस पार्टी की आज आमदनी बढ़ गई या स्रोत बढ़ गए जिन्होंने पूरे देश के सामने रामलीला मैदान के ऊपर एक आंदोलन किया था और ये कहा था कि इस देश से हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और उन्होंने कहा था हम जन लोकपाल लाएंगे इसको कौन चेक करेगा। भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि इसको इसके ऊपर चेक कैसे लाए जाए तो इन्होंने कहा था जन लोकपाल लाया जाएगा ना तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और ना दिल्ली के अंदर काबिज आप बताइए कहाँ गया वो जन लोकपाल आप जो बात करते थे भ्रष्टाचार की आप जो बात करते थे दिल्ली में दूसरे लोगों पे आरोप लगाते थे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इनके जितने लड़ाई थे चाहे वो शिवसेना हो चाहे पीडीपी हो चाहे अकाली दल हो चाहे एनपीपी पार्टी हो चाहे जेडीयू हो चाहे टीआरएस हो चाहे टीडीपी हो और मैं तो कहूंगा जो नेता नहीं करते हैं इतने आप पार्टी ये अखंड भ्रष्टाचार मामला लोगों के साथ की जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए सीबीआई जांच होगी तो सर बीजेपी सर यूपीए सरकार के वक्त सीबीआई जांच होती थी तो एक सहयोगी गठबंधन और बन जाता था। एक सेकंड गुप्ता साहब यूपीए सरकार के वक्त सीबीआई जांच की बात होती थी एक महीने में एक और सहयोगी गठबंधन बन जाता था। एक सेकंड ए के मिश्रा साहब ये बिजनेसमैन डोनेट फंड क्यों नहीं बना दिया जाता बात ही खत्म करिए ई वॉलेट से पैसा आएगा चाय वाले को आप कहते हैं कि भैया जो है आप ई वॉलेट से पैसा दीजिए पेटीएम से पैसा दीजिए रिक्शे वाले को कहते हैं किसी चीज को फॉर्मल बनाने की जरूरत क्या है जब बिना फॉर्मल बनाए सारे काम हो रहे हैं पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के तो उसको फॉर्मल या रेगुलर वे में करने की क्या जरूरत है उनको क्या जरूरत पड़ी है कि ये इस तरीके देखिए ये इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी का एग्जांपल है मतलब दो तरीके की इकोनॉमी देश में ये लोग चला रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन या नॉर्म्स है आम पब्लिक कॉर्पोरेट्स और छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए दूसरे तरीके के नियम है कि जी आप हर दिन जो है इनकम टैक्स को बताओ कि क्या हुआ क्या नहीं 10 रुपए आपकी जेब में आ गए तो आप उसका पूरा रेगुलर वे में पूरा हिसाब दो गवर्नमेंट को। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए कोई नियम नहीं है पहले 20,000 था फिर 2,000 हुआ फिर वो भी गायब हो गया कितना भी चंदा ले लो जी कहां से ले लो आधा आपने दिखा दिया जैसे मेरे सारे ये जितने राजनेता जो मित्र लोग हैं ये बता रहे हैं कि जी हम एकदम नंबर वन में है सारी डिटेल पड़ी है। अरे सर ये 500-600 करोड़ जो डिटेल में पड़ी है वो पड़ी है इसके बाद कितना क्या है वो हमको क्या पता आप क्या बोल सकते हैं जिम्मेदारी से नहीं जी एक एक पैसा यही है 600 करोड़ जब आपका ऐसे हो रहा है तो कम से कम आप ये देखिए 6,000 करोड़ तो आपका ऐसे होगा
तो कई तरीके के ये फंडिंग के इन लोगों के सोर्सेज हैं, वो तो एक केवल इस चीज से ये नहीं हो सकता है कि हर आदमी ने इनके मेंबर्स ने 10-10 रुपए या 100-100 रुपए दे दिए हैं। इनके फंडिंग के जहां से भी इनको पैसा मिलता है, किसी भी तरीके से मिलता है, ये सारा का सारा पैसा जनता के जो है गाढ़े मतलब खून पसीने की कमाई होती है। देश को 6-7% की ग्रोथ रेट मेंटेन करने में पसीने छूट रहे हैं। ये वही पार्टियां हैं सर जो आज टीवी चैनल पे बोल रही हैं कि मैं बोलता हूं कि आपकी परसेंटेज ग्रोथ रेट आप देखिए 200% 300% हो रही है, आपकी ये स्किल देश को क्यों नहीं, अगर आप बोलते हैं ये ईमानदारी का है, राजीव जी सही है तो ये राजीव जी बताते नहीं है क्यों नहीं अप्लाई होता है, राजीव जी बताइए ना, फेल हो जाते हैं आप लोग। जितना स्किलफुल जितने अच्छे तरीके से आप समाजवाद काम कर रहे हैं, समाजवाद समझाते समझाते 200% पहुंच गई संपत्ति पार्टी की, समाजवाद समझाते समझाते, और आप भी जो देश की सबसे अमीर पार्टी बन गए, समझाइए सर। तिलक जी बिल्कुल, बहुत मिश्रा जी ने बड़ी एटलाटिस बात की। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो भी हिसाब है, और मेरे क्या यहाँ से दिल्ली हर प्रदेश में मेरे सीए बैठा है, हर जगह मेरे पैसे फंडिंग आती है, तो सारी मिश्रा जी देखिए सीए तो नीरव मोदी के साथ और विजय माल्या के साथ, इसकी कहानी भी बताऊं आपको, तो सीए थे, इस नियम की कहानी बताऊं आपको। अगस्त 29 सर तारीख नोट करिए, अगस्त 29 2013 कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा संशोधन लाया गया जहां पर कंपनियों को हर 5 साल में अपना ऑडिटर बदलना चाहिए, लेकिन नियम दलों पर लागू नहीं होता, आपको मालूम है ये। इसके अलावा भाई साहब देखिए तिलक जी बिल्कुल आप बिल्कुल ये नियम मालूम है आपको, राज्य भारतीय जनता पार्टी अलग से एक बड़ा सर, ये नियम दलों पर लागू नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी, मैं 2013 एक्ट की जिक्र कर रहा हूँ सर, जनता पार्टी हमेशा हिसाब देने को तैयार है सर, आप देते क्यों नहीं, ऑनलाइन की व्यवस्था करिए, सारा ऑनलाइन व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश कार्यालय में आप देख लीजिए सर, मैं एक्ट का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज आप मुझे एक्ट के हिसाब से समझा दीजिए ना, बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सर राजनीतिक दलों के खातों को बनाए रखने के लिए 255 में, अब कानून की बात सुनिए, कानून आपको बताता हूँ मैं, देख लीजिए सर कानून बताता हूँ, फिर फेसबुक के कमेंट आए फाइनल कमेंट लूंगा, कहाँ से पैसा आया किससे पैसा आया सर, कानून सुन लीजिए ना, 295 कानून की बात कर रहा हूँ, तब उस वक्त रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि सीएजी के पैनल से योग्य और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाए, तब उस वक्त का जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे, और मौजूदा वक्त में क्या है कि खुद ही ऑडिटर्स बिठाइए और चयन करिए, और फिर उसके बाद जो है आप कहिए कि देखिए भैया हम तो स्वच्छ हैं, एक है मिश्रा साहब यही हो रहा है सर, नहीं देखिए एग्जैक्टली जो आपने बोला मैंने आपको बोला है कि दो क्लियर कट यहाँ पे इन्वायरमेंट बने हुए हैं इकोनॉमी के, बिजनेस करने के या फंड से रिलेटेड, हमारे लिए जनता के लिए दूसरा नियम है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए दूसरा नियम है, उनके लिए सर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ही वो अपने हिसाब से बनाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की या कहीं पे भी प्राइवेट में तनख्वाह बढ़ानी होती है तो आदमी मर जाता है रिक्वेस्ट करते करते स्ट्रगल करते करते, हमारे एमपी एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी, आप मैं आम आदमी पार्टी 400% का ग्रोथ इन लोगों ने कर दिया, इतना बड़ा तो ग्रोथ कहीं मिला ही नहीं, तो इन सारी पार्टियों का मैं बोलता हूं सर, आप उठा के इनकी सर उनका, अरे सर आपने बढ़ाया ना, सर वो तो बंदा भी नहीं ले रहे थे, गाड़ी भी नहीं ले रहे थे, पैसों नहीं नहीं आपने बढ़ाया थम्पिंग सर बिना सर ऑफिस नहीं नहीं ये संसद में भी हुआ है सर, ये संसद में भी कई बार बढ़ा है, वो साफ कह चुके हैं संविधान को लेकर उनके नजरिया कुछ और है सर, संसद में भी ये हर बार बढ़ा है, आप लोगों के हमेशा दूसरे नियम है, देश की जनता के लिए दूसरे, मैं यही सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं सर, 200% ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है 200% पे आप ग्रोथ कर रहे हो, देश को क्यों नहीं आप वही स्किल लगा करके ग्रोथ करा रहे हो 200% पे, सर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, एक सेकंड मिश्रा जी, आपने वो नारा नहीं सुना था शायद, विकास बोलता है काम बोलता है, अभी पांडे जी बता रहे थे, एक सेकंड अली साहब लिख रहे हैं फेसबुक पर, सबकी दाढ़ी में तिनका दिखाई देता है, कोई किसी से कम और कोई ज्यादा नहीं है। एक राहुल मित्तल साहब का है, चुनावी चंदे में पारदर्शिता वाली पार्टियां सिर्फ दिखावा करती हैं, हकीकत कुछ और है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात होती है लेकिन भ्रष्टाचार वही है। मोनू लिखते हैं कि इस बस मौका चाहिए एक दूसरे पर बयानबाजी का, लेकिन हकीकत यह है कि सब हमाम में नंगे हैं। अब सवाल 20-20 सेकंड, पांडे जी 198% फॉर्मूला बताइए जल्दी से 10 सेकंड में,
बहुत सिंपल सा फार्मूला है, पूरी शिद्दत से सेवा कीजिए, ईमानदारी से सेवा कीजिए, यदि आपकी मेहनत में दम है तो निश्चित रूप से ये समझ गया। अब ये आंकड़ा तो 90% हो जाएगा। और बात योगी जी ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर तो आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। के ऊपर लकीर ठीक है, ठीक है राजीव मिश्रा, अब आगे राजीव मिश्रा कानून भाजपा उदाहरण सिर्फ बोलने से नहीं होता, पेश करना पड़ता है उदाहरण। तिलक जी बिल्कुल, जो आज आपने डिबेट कराई इसको सार्थक करने के लिए बिल्कुल आईने की तरह होना चाहिए। और निश्चित सारे दलों की आपने जिस तरह से कहा सीए की जांच देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तैयार है, कभी भी आपको देखना हो और आईने की तरह वो तैयार है भारतीय जनता पार्टी। सारी अब हम भी एक राजनीतिक पार्टी है, हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं सिर्फ हवा हवाई है। आपको अगर पारदर्शिता दिखानी है जनता के सामने, सारे भ्रष्टाचारी इन्हीं के पास आ गए हैं। सर उनके पास तो पता नहीं कौन सा सर्फ है, आप छोड़िए ना उस बात को। एक सेकंड संजय गुप्ता साहब फाइनल कमेंट 20 सेकंड। मेरा कमेंट ये है कि सर मैं कहना चाहता हूँ देश के अंदर आज मोदी जी की सरकार है और दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार है जिन्होंने इस बात से पहले शुरू किया। एके मिश्रा साहब 10 सेकंड प्लीज। ये जन लोकपाल कब लेके आएंगे? सर एक सेकंड, आप आए थे ना, एक सेकंड एक सेकंड सर एक सेकंड एक सेकंड 20 सेकंड सर 10 सेकंड के तीन पाथ हमेशा ही रहेंगे। एके मिश्रा साहब भाग के तीन पाथ हमेशा रहेंगे, इनके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी पार्टी हो, हम जनता है, पब्लिक है, हमें पिसना पड़ेगा। इनकी ग्रोथ होती रहेगी, देश की ग्रोथ हो या ना हो, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग देश की ग्रोथ वगैरह करवा पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।